व्हाट्सअप गाइस, मानो फिर से आ गए रेड शैडो की वीडियो लेके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए जो लेके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कई लोगों देखता हूँ मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, कुछ भी पूछते हैं किसी चैंपियन के बारे में या किसी आर्टिफैक्ट्स के बारे में। तो आप भाई मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी गेम्स खेलता हूँ मैं, उसको छोड़ के रेड की अलग से प्लेलिस्ट है और उसके अंदर आपको आपकी आई थिंक कोई ना कोई काम की आपको वीडियो मिल ही जाएगी। साथ ही साथ आप डिस्कॉर्ड पे भी मुझे कर सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं आपकी मदद करूँ। और भी कई सारे लोग हैं आपके इंडियन भाई बंधु, तो आपकी उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। तो साथ ही आज हम करने वाले फिर से शार्टपुर और वॉइड 2X चल रहा है और भैया काफ़ी टाइम से इसकी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वॉइड शार्ट हो गए हैं, क्योंकि वॉइड शार्ट मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और सेकेंड शार्ट, जैसे सेकेंड शार्ट में मेरा चांस मिलता है 6% का, वॉइड के अंदर अब मारा है 1% का चांस, फिर भी लो है। और लास्ट टाइम जो मुझे मिला था, जहाँ तक मेरा ख्याल है वॉइड से चैंपियन मुझे मिला था टर्वोल्ड और मैंने उसको भी लेवल 60 कर दिया। भाई बहुत ही क्रेजी चैंपियन है जेनुअनली, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, भाई साहब बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करता है। तो लास्ट मेरा ये था और मेरा मस्ती सिस्टम जो रीसेट हो गया था। देखते हैं अब हमें क्या मिलता है, क्या हमें कोई लेजेंडरी मिलेगा, क्या मैं सारे अपने वॉइस चार्ट्स खोलूं या ना खोलूं, क्योंकि इवेंट्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो बहुत ही सड़ा सा इवेंट चल रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर आपको 5 दिन तक नॉन स्टॉप चार्ट पुल करोगे तब जाके आपको मिलेगा रिवॉर्ड, तो यह बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ वाली बात है यार। 5 दिन तक, सॉरी 4 दिन तक तो नहीं, 5 या तब जाके आपको लास्ट लेजेंडरी ओर मिलेगी। आई डोंट थिंक इतनी यूजफुल है, पर मैं आई थिंक आज ही अपने सारे शर्ट्स पुल कर दूंगा, होपफुली मुझे कोई बढ़िया मिल जाएगा। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि भैया मैं यहाँ तक वेट करूँ, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट भी कर जाऊँगा तो भी मेरे को, अगर मैं 3 दिन वेट करता हूँ तो 1500 तो ये जो रिवॉर्ड है इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो इसलिए मैं इतनी इंतज़ार इनका नहीं करने वाला। जैसे कि बताया था मैं आउट ऑफ टाउन था, तो इसलिए मेरे पास वैसे ही मैंने इन पे ध्यान नहीं दिया था। तो ये खोलते हैं अपने शार्ट्स और कौन कौन से चैंपियन चाहिए वॉइड के। आई थिंक मोस्टली जो सारे फेमस चैंपियंस हैं मेरे को वो चाहिए। क्रिस्क मिल जाए नंबर 1, बाकी तो कोई ढंग का मिल जाए बड़े, क्योंकि मेरे पास वैसे ही वॉइड चैंपियंस बहुत ही ज़्यादा कम है। फ्री टू प्ले प्लेयर हूँ तो भैया उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, पर मेरे पास अच्छे वॉइड्स हैं जैसे कार्डियल है और टर्वोल्ड और देखेंगे तो हमारा रेगलिन, ये तीनों टॉप टीयर अगर मैं बात करूँ तो हैं, बाकी तो सब हमें फ्री मिलते हैं गेम के अंदर सारे के सारे। तो ऐसा ये शुरू करते हैं मैं शार्ट्स को पुल करना और होपफुली हमें मिलेंगे कोई ढंग के एपिक्स। तो आई डोंट नो मुझे कोई चाहिए, मैन ईटर मेरे पास नहीं है, अगर मुझे मिल जाए तो शायद मैं इसको यूज़ करूँगा नहीं करूँगा, आई डोंट नो। चलिए भाई खोलते हैं शार्ट्स को और देखते हैं क्या मिलता है। 10 के 10 खोलते हैं अपने शार्ट और देखते हैं क्या मिलता है हमें। आई डोंट नो कुछ मिलेगा, मे बी इसके अंदर 1 या 2 एपिक्स ही होंगे, वो भी शायद इसके अंदर। चलिए देखते हैं कुछ मिलता है नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। फर्स्ट एपिक ओके, ये मेरे पास नहीं है। बैडल, क्या है बैडल है ना, या बैडल फेलहैमर और गॉड सीकर बहुत अच्छा चैंपियन है। बैडल मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए था काफ़ी टाइम पहले, क्योंकि इसकी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। अपने ऊपर डिफ़ॉल्ट काउंटर अटैक लगा लेता है, तो अरीना के अंदर ये बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है, भाई साहब इसको मारते रहो। अगर अब तो काफ़ी सारे चैंपियंस आ गए इसको काउंटर करने के लिए, बफ ऑफ रिमूव कर दो इसका, पर बहुत अच्छा चैंपियन है और इसकी स्किल्स भी बहुत ही अच्छी, इसकी एनिमेशन है एकदम फास्ट, क्या कहते हैं वो कुल्हाड़ी जो लकड़ी काटने वाली होती है फक कैसे करके फेंक के मारता है, बहुत ही चीज़ की जो एनिमेशन है मुझे वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। पर आप कोई बात नहीं, अब शायद मेरे वॉल्ट के अंदर रहेगा। और गॉड सीकर तो ऑलरेडी टॉप टीयर हमारा है, ऑलरेडी मैंने इसको बिल्ड कर रखा है, एग्जाम्पलर मिल गया ओके। ये भी मेरे पास है, आई थिंक शायद मैं इन सबको डुप्लीकेट को बुक करूँगा, यस ओके। तो आइए शुरू करते हैं दोबारा से और शार्ट्स खोलते हैं, मैं कुछ एक एक करके खोल के देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं। आई डोंट नो मुझे कुछ मिलेगा क्या, मैं अपने सारे के सारे 40 शार्ट्स को यूज़ कर लूँ। बेस्ट ऑप्शन तो यही रहता है कि 2X हमारा आता है ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद, हमारी 45 डेज के आसपास आता है। बेलोर बहुत अच्छा एपिक चैंपियन है, सॉरी वॉइड रेयर चैंपियन है, अभी भी यूज़ होता है और स्पेशली कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, डंजन्स और फैक्शन वॉर्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके नेक्स्ट शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ रंग का मिलता है कि नहीं। आई डोंट नो मुझे कोई लेजेंडरी मिलेगा, क्योंकि मेरी लेजेंडरी की जो होप है बहुत ज़्यादा लो है।
यहाँ तो मुझे एक अच्छा एपिक मिलने की भी उम्मीद नहीं है, पर अगर हम देखें तो हमें ऑलरेडी दो चैंपियन जो सॉरी तीन में से दो एपिक्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं मेरे हिसाब से। गॉड सीकर तो आई थिंक बेस्ट एपिक के अंदर आता होगा गेम के अंदर। हाँ स्कल क्राउन मेरे पास नहीं है, रिलिक्विड ट्रेंडर अगेन काफ़ी अच्छा है, रेयर चैंपियन है गेम के लिए, डेफिनेटली लेवल 60 वर्थ है और एंड गेम के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो स्कल क्राउन मेरे पास नहीं है, अगर वो मुझे मिल जाए तो शायद मैं उसको बिल्ड या उसको मैं डेफिनेटली बिल्ड कर दूंगा, क्योंकि कई जगह काम आ सकती है मेरे को अरीना के अंदर। एंड डंजन की फास्ट सॉरी क्या कहते हैं यार डूम टावर की फास्ट बैटल्स के अंदर स्कल क्राउन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करती है, क्योंकि वो वॉइड चैम्पियन है तो उसको एफिनिटी का इतना मैटर नहीं होता। भाई कोई ढंग का दे दो भाई, स्निच बीस नहीं हमें नहीं चाहिए स्निच बीस भाई। नौ अभी तक तो भाई 10 में से एक भी एपिक नहीं मिला ना हमें, अब मिलेगा। ओके ओके डेमेथा मिल गई है ऑलरेडी हमारे पास है, अगेन गेम का बहुत ही टॉप टी। अगर कोई नया प्लेयर होता तो भाई साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, क्योंकि सारे के सारे एपिक्स बहुत कमाल के हैं। या अगेन डेमेथा बहुत ही बढ़िया चैंपियन है हमारा, तो हम इसको कर देते हैं भाई साइड में। और अब मेरे क्या मैं इसको डुप्लीकेट रखूँगा, या आई थिंक सो डेमेथा को मैं डब्ल्यू का फेल हाउंड अगेन, आई थिंक फास्टेस्ट कैंपेन फारवर्न वाला चैंपियन है हमारा फेल हाउंड, और देखते हैं क्या करना है। क्या हमें और शार्ट्स खोलें 10 के 10? क्या इसके अंदर हमें मिलेगा लेजेंडरी चैंपियन? आई डोंट थिंक तो। क्या इसके अंदर एपिक मिलेगा? इसके अंदर दो एपिक मिलेंगे। ओके लेट्स सी मिलते हैं कि नहीं मिलते। अभी तक तो हैरियर नहीं, डेलगोल नहीं, एस्किवेटर नहीं, व्हाट द हेल भाई ये 2x है क्या यार? मुझे पता है मेरा अगले के अंदर भी लेजेंडरी नहीं मिलना, पर फिर भी मैं खोलूंगा, क्योंकि बेस्ट टाइम वॉइड्स को खोलने के लिए यही होता है। 10x वगैरह के भाई सब दिन चले गए हैं, और अब ऑलरेडी सड़ा सा एपिक मिलेगा। लुआ मिल गई है, बहुत हार्ड हिटर है, ओबोरो भी है, नॉन स्टॉप एपिक, पर हमें लेजेंडरी चाहिए, और हमें आई डोंट थिंक लेजेंडरी मिलने वाला है। एक और मिल गया फेसलेस, ऑलरेडी हार्ड हिटिंग है एंड एपिक, एक और अम्ब्रेला एन्चेंट्रेस। ओके तो 1 2 3 4 एपिक्स मिल गए हैं, पर चारों के चारों मेरे पास हैं, और आई डोंट नो मेरे को इन सब की इतनी ज़्यादा जरूरत। ओबोरो मेरे काम आ जाएगा आई थिंक शेडो किन के अंदर, अगर मैं डुप्लीकेट की तलाश अपनी देखता हूँ यस, तो ये मेरे यहाँ पे काम आ जाएगा। और मुझे एक और चाहिए तो मेरा शेडो किन का जो है फैक्शन गार्जियंस कंप्लीट हो जाएगा, बाकी तो आई थिंक बस खाली स्किन वॉकर्स ही रह गया है हमारे लिए। उसके चैंपियन तो बहुत ही ज़्यादा टाइम से मुझे एपिक्स नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ओके तो लेट्स सी हमारे कितने पॉइंट्स हो गए हैं। ये वाले तो मुझे खाली आई थिंक 500 के 500 ही मिलेंगे, और रुक जाओ 1 मिनट इसको होने दो। कहाँ गया भाई इवेंट्स? या तो देख सकते हैं खाली 550 पॉइंट्स ही मिल सकते हैं आप एक दिन में, तेरे बहुत ही सरदर्दी वाली बात है, वरना मैं इसको फुल्ली कंप्लीट कर चुका होता। कोई बात नहीं, देखते हैं हमें कितने मिले। आई थिंक काफ़ी सारे एपिक्स मिले हैं, तो उसके हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाने चाहिए, और होपफुली हम कोई अच्छी सी एपिक बुक या लेजेंडरी बुक तक पहुंच चुके हों। टूर्नामेंट देखते हैं भाई, जल्दी से खुल जाओ भाई, कितना इसका इंतजार रहता है इसका खुलने में। ओके तो हमारा चैंपियन चेस टूर्नामेंट एंड ओके लास्ट लेजेंडरी बुक से बस थोड़ा सा पहले ही आ गया, तो आई थिंक 3500 पॉइंट्स हमारे हो, 4400 पॉइंट। तो क्या हम इस लेजेंडरी बुक को भी हम ले सकते हैं? अगर मैं अपने देखूँ तो मेरे रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, नंबर 6 पे हूँ मैं। ओके और सब जो है लेजेंडरी बुक लेके एकदम शांत हो गए होंगे आई थिंक, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो यार देखेंगे मेरे से ऊपर जितने भी हैं वो सब लेजेंडरी बुक तक पहुंच जाएंगे, ये वाले भाई साहब भी जो है ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे। होपफुली मैं इसके अंदर लेजेंडरी बुक लेने की कोशिश करूँ कि ना करूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ जो है मिलेगा। खासी अगर मैं अपने शार्ट्स को 5 इंच शार्ट्स खोल देता हूँ आई थिंक ये बेट बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर मैं अपना सेक्रेट शार्ट्स को यूज़ करूँगा तो क्या होगा भैया हमारा कि फ्यूजन के अंदर हमें जो दिक्कत हो गया। आई डोंट नो मुझे, आई डोंट थिंक मुझे कोई ढंग का रेयर रेयर तो क्या एपिक भी नहीं मिलने वाला। 5 खोलने हैं ऐसे ही फालतू के पॉइंट्स, अगर एक एपिक भी मिल गया तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो जाऊंगा हमारे लास्ट वाली लेजेंडरी बुक के लिए जो हमारा टूर्नामेंट के अंदर मिलने वाली है। और आई डोंट थिंक मुझे मिलेगा, मेरे सारा का सारा मेरे फूड के ही काम आएगा, मैं राउंड फिगर 50 करके छोड़ दूंगा। और यस लास्ट लेजेंडरी दे दो भाई, मज़ा आ जाएगा, बिना किसी टूर्नामेंट इवेंट के लेजेंडरी दे दो भाई। एंड कुछ भी नहीं मिला।
चलिए कुछ ज़्यादा हमारी होप तो थी नहीं, 40 वॉइड शार्ट्स हमने पुल करे हैं, पर आई डोंट थिंक मेरे लिए कोई भी यूज़फुल है। तो आई थिंक अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।